तो गाइस कैसे हो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ साउथ की न्यू धमाकेदार मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवी, जिसमें आपको काफी अच्छे अच्छे सीन देखने को मिलेंगे। तो मेरे साथ आखिर तक वीडियो में बने रहना, मूव हो सकती है तो उससे पहले इन मूवीज को देख लेना। तो गाइस हमारी नंबर 5 पर मूवी आती है साल 2019 में कॉमेडी क्राइम थ्रिलर मूवी गैंग लीडर, जिसमें आपको प्रियंका, नैनी, कृतिक जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। फिल्म की कहानी में एक हैदराबाद में एक भयानक बैंक रोबरी होती है, जिसमें 300 करोड़ लूटे जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद एक बूढ़ी महिला 4 महिलाओं को लेकर एक गैंग बनाती है और मदद के लिए एक व्यक्ति पेंसिल के पास जाती है। शुरुआत में पेंसिल उन सबकी मदद करने के लिए मना कर देता है, लेकिन बाद में उन सबकी मदद करने का फैसला करता है। तो आखिर यह महिला कौन होती है, बैंक रोबरी से इनका क्या लेना देना है और पेंसिल इनकी मदद कैसे करेगा, यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। फिल्म काफी अच्छी है जो आपको आखिर तक रोके रखेगी और फिल्म में आपको कॉमेडी के साथ एक बढ़िया स्टोरी भी देखने को मिलेगी। फिल्म को IMDb की रेटिंग मिली है 7.6 out of 10 और 88% गूगल यूजर ने फिल्म को लाइक किया है। फिल्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नंबर 4 पर मूवी आती है साल 2020 में मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवी 369, जिसमें आपको हेमंत मिनोन, मिनसूरी, साधिका और भी कलाकार नजर आएंगे। फिल्म में आपको ऐसी मिस्टीरियस घटना के बारे में दिखाया जाता है जो कि पुलिस उन मिस्टीरियस घटनाओं को सॉल्व करने में कंफ्यूज हो जाती है। तो फिर एक संजय नाम का आम आदमी इन मिस्टीरियस घटनाओं को सॉल्व करने का फैसला करता है। अब ऐसी कौन सी मिस्टीरियस घटनाएं हैं जो पुलिस सॉल्व नहीं कर सकी और क्यों संजय उन घटनाओं को सॉल्व करना चाहता है, यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। फिल्म में आपको स्टोरी लाइन बड़ी बारीकी से देखने को मिलेगी और आपको एंड तक रोके रखेगी। फिल्म काफी कमाल की है जिसे आप एक बार जरूर देख सकते हो। फिल्म को IMDb की रेटिंग मिली है 5.7 out of 10 और 50% गूगल यूजर ने फिल्म को लाइक किया है। फिल्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 3 पर मूवी आती है साल 2023 में क्राइम थ्रिलर मूवी लव स्टोरी, जिसमें आपको विक्रांत, सानिया मल्होत्रा, बॉबी देओल और भी बड़े कलाकार नजर आएंगे। अब नंबर 2 पर मूवी आती है साल 2021 में हॉरर ड्रामा मूवी बाली, जिसमें आपको शरद, स्वप्निल, पूजा और भी बड़े कलाकार नजर आएंगे। फिल्म की कहानी है एक पिता जिसकी कोई घरवाली नहीं है, लेकिन एक दिन उसका बेटा एकदम से गिर जाता है और बेहोशी की हालत में होता है। तो उसके पिता उसकी बीमारी को पता लगाने के लिए अस्पताल ले जाते हैं। वहां जाकर वो लड़का एक रहस्यमय नर्स से मिलता है। जब वो लड़का उस नर्स से बात करने लगता है तो उसके साथ में बहुत अजीब घटनाएं होने लगती हैं। तो आखिरकार उस लड़के पर किसी आत्मा का साया है या फिर कुछ और, यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। फिल्म काफी अच्छी है जिसमें आपको ज्यादातर सीन सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आगे कहानी में क्या होगा और फिल्म की एंडिंग कमाल की है जो आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। फिल्म को IMDb की रेटिंग मिली है 6.5 out of 10 और 63% गूगल यूजर ने फिल्म को लाइक किया है। फिल्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नंबर 1 पर मूवी आती है साल 2023 में बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवी फर्ज, जिसमें आपको जूही, आदित्य रावल, जैन और भी बड़े कलाकार नजर आएंगे। फिल्म की स्टोरी रियल लाइफ टेररिस्ट अटैक पर बेस्ड है जो कि साल 2016 में ढाका के कैफे पर हुआ था, जहां कुछ आतंकवादियों ने कैफे पर कब्जा कर लिया था और लोगों को बंदी बनाकर चारों तरफ से घेर लिया था और अफरा तफरी मच गई थी। तो वह सारे इंसिडेंट को इस फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म की स्टोरी कमाल की है जो आपको एंड तक एंगेज करके रखेगी और आपको एक एक बहुत ही कमाल का लगेगा। फिल्म को IMDb की रेटिंग मिली है 5 out of 10 और 56% गूगल यूजर ने फिल्म को लाइक किया है। फिल्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।